वेलकम स्टूडेंट टू आवर चैनल इंग्लिश ड्रॉप। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल्स के बारे में। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडल्स होते क्या हैं। मॉडल्स का यूज होता है एज ए हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब न होकर इन्हें कहा जाता है स्पेशल वर्ब। स्पेशल वर्ब इसलिए कहा जाता है, यूज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर होता है, लेकिन ये काम हेल्पिंग वर्ब के जैसे नहीं करते। ये काम करते हैं जो सब्जेक्ट होता है हमारा, सब्जेक्ट के मूड के ऊपर, मूड के ऊपर बेस्ड होते हैं। मूड का मतलब होता है मानसिक स्थिति, कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी मानसिक स्थिति क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो किस बात को बताना चाहता है, वो सब डिसाइड किया जाता है मॉडल्स के द्वारा। अब मॉडल्स होते हैं विल, सेल। विल और सेल की बात करें, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं एक टेंस में। विल और सेल का यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज किया जाता है विल और सेल का। अब ये हेल्पिंग वर्ब है या मॉडल है वो हम डिसाइड करेंगे मूड के बेस पर, सब्जेक्ट के मूड के बेस पर डिसाइड किया जाएगा कि ये हेल्पिंग वर्ब है या फिर स्पेशल वर्ब है। बात कर रहे थे मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स में सबसे पहले लेंगे विल और सेल। इन दोनों मॉडल्स का यूज है वो हमेशा फ्यूचर टेंस के लिए किया जाता है, फ्यूचर के लिए किया जाता है, आने वाले समय के लिए यूज किया जाता है। अब एक सीधे एग्जाम्पल के रूप में देखें तो विल और सेल का प्रयोग टेंस के हिसाब से देखा जाए तो विल और सेल का प्रयोग होता है अगर सब्जेक्ट आई या फिर वी है तो प्रयोग किया जाएगा सेल का, और आई और वी के अलावा जो अन्य सब्जेक्ट बच गए, ही बच गया, सी बच गया, इट बच गया, या फिर दे आ गया, या फिर किसी का नाम दिया हुआ आ जाए तो किसका प्रयोग किया जाएगा, विल का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन ये जो रूल बनाया गया है वो टेंस के अकॉर्डिंग बनाया गया है, जो कि पूरा सही नहीं माना जाता, कि आई के साथ कई बार विल का यूज भी होता है और कई बार सी के साथ सेल का यूज भी होता है। हम बात करेंगे तो फिर दोनों में से किसका यूज किया जाए, कहां विल का यूज होगा और कहां सेल का यूज किया जाए। अगर हम बात करें ग्रामर के बारे में, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रामर के बारे में। ग्रामर में विल और सेल का यूज किस प्रकार किया जाता है, एक रूल तो दिया गया है हमारे पास ये, जिसमें आई और वी का यूज होगा सेल के साथ में, और अदर जो सब्जेक्ट बच गए आई और वी को छोड़कर उनके साथ किया जाएगा विल का प्रयोग। देखिए अब एक मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे मुझे लिखना है आई वुड गो देयर, यहां मैंने लिखा आई वुड गो देयर। इसी सेंटेंस को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं, आई वुड गो देयर। मान लो यहां लिखा हुआ है ही had to complete this work, दो सेंटेंस लिखे हुए हैं आई वुड गो देयर और एक सेंटेंस लिखा हुआ है आई अपोस्ट्रोफिक डी गो देयर। जब भी हम बुक्स पढ़ते हैं, कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं, हमें बहुत बार ऐसे शब्द लिखे हुए मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कैन और नोट, लेकिन कभी भी हमें बुक्स के अंदर कैन और नोट अलग अलग लिखा हुआ नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा कांट। कैन और नोट की जगह क्या लिखा हुआ मिलेगा, कांट लिखा हुआ मिलेगा। उसी प्रकार यहां पे लिखा हुआ है ही अपोस्ट्रोफिक डी, अब हमें कंफ्यूजन में ये डाल देता है कि ये डी किसका रोल कर रहा है। अब ये हैड हो सकता है, वुड हो सकता है, या फिर कुड हो सकता है, ये अब हमें पता लगाना पड़ता है कि हाँ ये क्या है। अब इसका पता लगेगा आगे के सेंटेंस के बारे में। अगर हेड होगा, अगर ये हेड होगा तो पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग हेड के बाद में हमेशा किसका यूज किया जाएगा, थर्ड फॉर्म का, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। अगर ये हेड होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, या फिर कुड होगा और वुड होगा तो वर्ब की हमेशा मॉडल के बाद में वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आगे ना तो थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, ना ही फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। इसका मतलब ये किसका है, यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है, हेड का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार हम देखें तो हम विल और सेल का यूज भी कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा,
मान लीजिए हमें एक एग्जांपल लेते हैं, गो देयर टुमारो। अब हमें प्रयोग टुमारो का आ गया, यहां पर एडवर्ब दी गई है टुमारो। टुमारो को अकॉर्डिंग यहां पर किसका यूज किया जा रहा है, कौन से टेंस में चला जाएगा, ये फ्यूचर टेंस में चला जाएगा। अब फ्यूचर टेंस की बात होगी तो कौन से मॉडल आएंगे सामने हमारे पास, एक आएगा विल और एक आएगा शेल। अब अगर ग्रामर के रूप में देखें तो नाम के आगे किसका प्रयोग होना था, आई और वी के साथ था शेल, और अदर के साथ क्या था विल। आई और वी के साथ शेल और अदर के साथ विल। यहां पर हमें नाम दिया गया है और नाम के साथ किसका प्रयोग करना था, विल का प्रयोग करना था। लेकिन फिर भी हम अपने आप पे श्योर नहीं होते कि यहाँ पर विल ही सही होगा या फिर सेल ही सही होगा, क्योंकि ये जो पूरा रूल है इसको 100% सही नहीं माना जाता। देखिए एक सीधे तरीके से बताएं, ग्रामर के रूप में हम इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी हमें कंफ्यूज हो कि विल करूँ कि सेल करूँ, यहाँ आके बात रुक जाए, तो एक छोटा सा तरीका है, ट्रिक बोल सकते हैं। देखिए वही बताया था कि कैन और नोट को किस प्रकार लिखा गया है, कैन नोट लिखा गया है, वही तरीका हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए दोनों वर्ड में सिमिलरिटी क्या दिख रही है, डबल एल विल में और डबल एल सेल में, मतलब विल के आगे भी डबल एल है और सेल के आगे भी डबल एल है। अब हमारे पास ऐसा सेंटेंस आ जाए और विल और सेल का यूज करना पड़े तो हम एक तरीका लगा सकते हैं जो कि हमें बुक्स में मिलता है, वो यह है, सबसे पहला काम अपोस्ट्रोफिक लगाएंगे, अपोस्ट्रोफिक लगा उसके बाद लगा देंगे डबल एल। अब ये सही होगा, 100% सही ऐसे होगा। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये एग्जाम्पल था और नीचे दिया गया था विल और सेल में से किसी एक का यूज करना था। अब हमने मान लिया कि हम विल का यूज करेंगे और यहाँ पर करके आ गए विल, और होना क्या चाहिए था उत्तर सेल, तो हमारा आंसर यहाँ पर गलत हो सकता है। सही करने के लिए हम करेंगे अपोस्ट्रोफिक लगाएंगे और डबल एल कर देंगे। अब ये गलत नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता देखेंगे, विल और सेल में दोनों में समानता थी डबल एल की, मान लीजिए उत्तर ये होना था और हम डबल एल लिख के आ गए और सामने वाला पूछे कि बताओ आंसर क्या है, हम बोल देंगे कि आंसर होगा सेल। यहां पर बताया है आंसर क्या होगा सेल, तो हम बोल सकते हैं कि देख लीजिए मैं भी सेल ही करके आया हूं, यहां पर डबल एल है और ये रहा सेल में डबल एल। मान लीजिए सामने वाला बोले कि यहाँ पर उत्तर क्या होना चाहिए था विल होना चाहिए था, तो यहाँ पर विल में भी डबल एल है और हमारे पास भी डबल एल है। इस तरीके से विल और सेल मॉडल हमेशा हमारा सही होने का चांस कितना होगा, 100% चांस होगा। अब बात करें स्पोकन में, ये बात थी ग्रामर में विल और सेल का प्रयोग हम लिख के आ सकते हैं, लेकिन ये बात हम लिख के नहीं आ सकते, हमें बोल के बताना पड़ता है, स्पोकन में हमें बोलना पड़ता है। उसमें होता है, एक होता है हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और एक होता है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं, आई और वी, और सेकंड पर्सन में आता है यू। अब देखना विल और सेल का यूज कैसे किया जाएगा, विल एक साइड, एक तरफ विल लिख लेते हैं और एक तरफ क्या हो जाएगा सेल हो जाएगा। अगर मैं बोलूं अपनी बात, कोई भी काम करने के लिए बोलूंगा आई विल डू इट, फर्स्ट पर्सन में है तो आई के साथ किसका प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा, लेकिन सेल का प्रयोग किसके लिए हो जाएगा, ही सेल डू इट, थर्ड पर्सन के लिए सेल का प्रयोग। उसी प्रकार बोले वी विल मेक इट, अब सेल का यूज होगा वो कैसे होगा, दे विल मेक, मतलब विल और सेल का बस इतना सा अंतर है कि फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन में जाएगा तो विल किस में चेंज हो जाएगा, सेल में चेंज हो जाएगा, थर्ड पर्सन से फर्स्ट पर्सन में आएगा तो सेल किस में चेंज हो जाएगा, विल में चेंज हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, आगे वाले वीडियो में बात करेंगे विल और सेल के अलावा जो अन्य मॉड्यूल बचे उनके बारे में।